लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन सीटों पर लोगों की सबसे ज्यादा नजर है उनमें से एक है बेंगलुरु ग्रामीण सीट। कर्नाटक की ये वही बेंगलुरु ग्रामीण सीट है जहां से डीके सुरेश 2019 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और 2024 में एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। डीके सुरेश 2019 में कर्नाटक से लोकसभा पहुंचने वाले एकमात्र कांग्रेसी सांसद थे। 3 बार के सांसद डीके सुरेश कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेसी नेता डीके शिवकुमार के भाई हैं। लेकिन डीके सुरेश का परिचय केवल इतना भर नहीं है। ये वही डीके सुरेश हैं जिनका एक बयान कांग्रेस के गले की फांस बन गया था। पूरी पार्टी सफाई देती फिर रही थी और अभी भी बीजेपी डीके सुरेश के बयान को मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग रैलियों में डीके सुरेश के बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं और कांग्रेस को देश की एकता के लिए खतरा बता चुके हैं। तो दूसरे चरण के चुनाव से पहले आइए नजर डालते हैं डीके सुरेश के पॉलिटिकल करियर पर। जानते हैं कि कौन है डीके सुरेश, कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास, क्या है उनकी सीट के समीकरण और क्या था उनका बयान जिसकी वजह से वो विवादों के केंद्र में आए। शुरुआत उस बयान से ही करते हैं जिस पर विवाद शुरू हुआ। आमतौर पर जब बजट पेश होता है तो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया काफी प्रेडिक्टेड होती है। सत्ता पक्ष वाले बताते हैं कि बहुत बढ़िया बजट है, इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता, और विपक्ष वाले बजट को बेकार, गरीब किसान विरोधी बताते हैं। लेकिन इस बार यानी 2024 का बजट आया तो डीके सुरेश की प्रतिक्रिया ने लोगों का ध्यान खींचा। बेंगलुरु ग्रामीण सीट से सांसद डीके सुरेश ने बजट को दक्षिण भारत के साथ भेदभाव करने वाला बताया। कहा कि जितना टैक्स दक्षिण भारत के राज्य केंद्र सरकार को देते हैं उससे काफी कम ही उन्हें रिटर्न में मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो पैसा दक्षिण भारत के राज्यों को मिलना चाहिए उसे उत्तर भारत में डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर इसी तरह अन्याय होता रहा तो दक्षिण भारत के राज्य अलग देश की मांग को मजबूर होंगे। उनके इस बयान को आधार बनाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस देश तोड़ना चाहती है। मामला बढ़ा तो डीके सुरेश ने सफाई दी। कहा कि उनका मकसद दक्षिण भारत के राज्यों के साथ हो रहे अन्याय की ओर ध्यान दिलाना था। डीके सुरेश के बड़े भाई डीके शिवकुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं। 2013 में डीके सुरेश ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। बेंगलुरु ग्रामीण सीट पर उपचुनाव हो रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी कुमार स्वामी ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने डीके सुरेश को इस सीट से अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा। सुरेश चुनाव जीते और लोकसभा पहुंचे। 2014 के आम चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस ने डीके सुरेश को बेंगलुरु ग्रामीण सीट से उतारा। 2014 की मोदी लहर में भी डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण सीट पर भारी पड़े। उन्होंने बीजेपी के मुनिराज गौड़ा को करीब 2,31,000 वोटों से हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने डीके सुरेश को बेंगलुरु ग्रामीण सीट से चुनाव मैदान में उतारा और डीके सुरेश ने इस सीट से जीत की हैट्रिक लगाई। उन्होंने बीजेपी के अश्वथ नारायण गौड़ा को 2,00,000 से अधिक वोटों से हराया। 2024 में एक बार फिर से कांग्रेस ने डीके सुरेश को चुनाव मैदान में उतारा है। ये तो हो गया डीके सुरेश का पॉलिटिकल करियर। अब एक नजर डालते हैं डीके सुरेश के नॉमिनेशन एफिडेविट पर। डीके सुरेश ने नामांकन के दौरान दिए गए एफिडेविट में बताया है कि उनके पास कुल 593.04 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अगर 2019 और 2024 के एफिडेविट की तुलना करें तो पता चलता है कि पिछले 5 साल में डीके सुरेश की प्रॉपर्टी हर साल 50 करोड़ रुपए बढ़ी है। 2019 में डीके सुरेश ने 338 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी की जानकारी दी थी जिसमें पिछले 5 साल में 254 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। डीके सुरेश के पास बेंगलुरु में 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं जिसमें 211 करोड़ रुपए की कीमत के 2 मॉल भी शामिल हैं। इसके अलावा 72 एकड़ की कृषि योग्य जमीन भी है जिसकी कीमत 32 करोड़ रुपए की है। खुद को कारोबारी और किसान बताने वाले डीके सुरेश का मुकाबला इस बार बीजेपी के डॉक्टर सीएन मंजूनाथ से है। डॉक्टर मंजूनाथ जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट यानी हार्ट के डॉक्टर हैं। 33 साल के अपने मेडिकल सर्विस के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और राजनीति में उतरने का फैसला किया। लेकिन उनका परिवार राजनीति में नया नहीं है। वे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के दामाद हैं। जब डॉक्टर मंजूनाथ के राजनीति में एंट्री की खबरें चल रही थी तब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनके ससुर यानी एचडी देवेगौड़ा ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया था। हालांकि मंजूनाथ ने नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होने की बात कही और बीजेपी ज्वाइन की।
और बीजेपी ने उन्हें बेंगलुरु ग्रामीण सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, जहां से लगातार 3 बार से डीके सुरेश जीतते आ रहे हैं। हालांकि डीके सुरेश से पहले ये सीट देवगौड़ा परिवार के पास भी रही थी। 2009 में परसीमन के बाद बेंगलुरु ग्रामीण सीट अस्तित्व में आई। 2009 के लोकसभा चुनाव में HD देवगौड़ा के बेटे HD कुमारस्वामी ने सीट से जीत दर्ज की थी। उनके बाद 2013 के उपचुनाव, 2014 और 2019 के आम चुनाव में डीके सुरेश इस सीट से चुनाव जीते। लेकिन उससे पहले 1996 और 2002 में जब ये सीट कांकापुर नाम से जानी जाती थी, तब HD कुमारस्वामी और HD देवगौड़ा इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में देवगौड़ा के दामाद मंजूनाथ बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस देवगौड़ा की पार्टी JDS के साथ गठबंधन में थी, लेकिन 2024 में बीजेपी और देवगौड़ा की पार्टी JDS का गठबंधन है। यानी इस सीट पर बीजेपी और JDS मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी DK सुरेश को तगड़ी टक्कर दे सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।